के निर्देशानुसार सीए और एनआरसी को लेकर हो रहे उपद्रव व हिंसा के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राजघाट थाने पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के संभ्रांत लोग और हिंदू समुदाय के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। शहर में शांति और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम करने के लिए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुप, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने नागरिकों से अपील की कि किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि समाज का माहौल खराब हो और बेगुनाहों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। इस बैठक में एसएचओ राजघाट आर के पांडे सहित बड़ी संख्या में शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। तीसरी बात ये है कि भैया बच्चों में कई लोगों के नाम लगे, एक मत होकर ये कहा कि हाँ बच्चे हैं उनको अभी समझ नहीं है, सभी बच्चों को रात में 8 बजे तक उनके परिवार वालों की उपस्थिति में देखे। पहले ये अखबार में भी आया था, आप लोगों ने देखा नहीं देखा एक बार देखते इसमें पर करने की आवश्यकता थी। इसको देखते हुए कप्तान साहब ने डिसीजन लिया कि इसमें एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी साहब की अध्यक्षता में है, एसआईटी में जो लोग हैं इस मौके पर एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, कप्तान साहब के निर्देशानुसार एडीएम सिटी साहब, मेरे सीएम साहब और सीओ साहब द्वारा कोतवाली सर्कल के तीनों थानों में पीस कमेटी मीटिंग ली जा रही है, लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है और जहां कहीं भी किसी के मन में किसी प्रकार का संशय है तो उसे दूर करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अपना प्रयास कर रहा है। और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि मुकदमे में जिनका भी नाम जाए वो निर्दोषों को और दोषियों को अच्छे से उसकी परख कर ली जाए और जिसके लेके हम शुरू से प्रयासरत हैं, प्रतिबद्ध हैं और इसी क्रम में एसएसपी सर ने एक एसआईटी का भी गठन किया है तो जिससे कि और ज़्यादा इसमें निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। के लिए एसपी सिटी साहब, मैं और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सीओ साहब सभी लोग थे और सभी ने भरपूर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास किया है और एक्ट की बारीकियों को, संविधान की व्यवस्थाओं को विस्तृत रूप से जानकारी सभी सदस्यों को, शांति समिति के सदस्यों से दी है और शांति किसी भी कीमत पर भंग ना हो उनका भरपूर सहयोग हम लोगों ने अपेक्षा की है। इसके साथ ही साथ प्रशासन अपनी तरफ से भी सारी एहतियात बरतेगा, पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था है कि शांति को हम कायम रखेंगे और शांति समिति के सदस्यों को भी फील्ड में हम लोग अपने साथ रखेंगे। सर, जो नोटिस छपा हुआ है जिसमें लोगों को 39 लोगों को नामजद किया गया तो उसमें सर बहुत से लोगों का कहना है कि निर्दोष लोगों, कोई भी निर्दोष किसी भी प्रकार से कानून की कार्रवाई से विरत रखा जाएगा। किसी भी निर्दोष को सजा देना ना कानून का उद्देश्य है, ना प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है। दोषी ही सिर्फ दंड पाएगा क्योंकि उसने आईपीसी की जिन धाराओं का उल्लंघन किया है वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं को ही प्रस्तावित किया जाएगा, उन्हीं को ही चार्जशीट किया जाएगा।